और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। ...2018 सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के लिए बहुत ही अच्छा साल माना जा रहा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव की दो फिल्में भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजा चुकी है और इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का जलवा बखूबी चल रहा है। इसी कड़ी में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक और नई फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का सबसे सफल गाना सैयां अरब गईल ना, जिसे भोजपुरिया दर्शकों ने बेहद ज्यादा पसंद किया था और रातों रात इस गाने से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सिंगर से एक्टर बन गए थे। उसी गाने के बोल को लेकर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माता होंगे रत्नाकर कुमार, जिन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ संघर्ष फिल्म बनाई है, जिसका ट्रेलर पहले ही वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से रत्नाकर और खेसारी लाल यादव की जोड़ी भोजपुरी अब दर्शकों को देखने को मिलेगी सैयां अरब गईल ना में। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे पराग पाटिल और राइटर होंगे मनोज के कुशवाहा। हालांकि इस फिल्म में तीन अभिनेत्रियां नजर आएगी, लेकिन अभी तक तीनों अभिनेत्री का नाम खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सैयां अरब गईल ना का मुहूर्त जल्द ही मुंबई में बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। अब देखना यह है कि सैयां अरब गईल में खेसारी लाल यादव का कैसा अवतार होगा, यह तो आने वाले ही कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया है।